Hey guys, welcome to Commerce Parshala. I hope you guys are doing well. So today's topic that we are going to discuss is about the MCO4 business environment, and the topic that we are going to discuss is about the concept and process of environmental scanning, a very important topic for the examination. So please stay tuned with this video, watch till the end, and you will get a brief idea about the concept and the process of environmental scanning, and this will help you in the examination as well. So watch it till the end. Then let's start it. आपको टॉपिक दिख रहा होगा एनवायरमेंटल स्कैनिंग. सो एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है? सो इट्स लाइक स्क्रूटनाइजिंग द एनवायरमेंट. ठीक है, वेदर द एनवायरमेंट इज सुटेबल फॉर यू और नॉट, राइट? वेदर द स्टेप दैट हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट इज सुटेबल फॉर यू और नॉट. सो एनवायरमेंट इज लाइक you have multiple opportunities and you have multiple threats as well. So you will have to scan those things, whether you have benefits or whether you have threats on that particular environment in which your business is running, right? So ye is tarike se kaam karta hai. So environmental scanning is a strategic management process that involves systematically gathering, analyzing and interpreting the information about the external factors. Hai na, bola gaya yahan pe internal nahi, external factors ki baat ki ja rahi hai, hai na? ऐसे फैक्टर्स जो कि आपके बिजनेस को एक्सटर्नली इंपैक्ट करते हैं, और वो किसका हिस्सा है? वो आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है. तो आपको उसको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको डेटा गैदर करना है और पता करना है कि वो जो चीजें हैं वो आपके बिजनेस को हेल्प कर रही है या नुकसान पहुंचा रही है, है? है ना? फैक्टर्स एंड कंडीशन दैट मे इम्पैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑपरेशन, है ना? ये बात है. It is a proactive approach that helps organizations stay aware of the changes and the trends in the इसी की मैं बात कर रहा हूँ. जो भी changes आपके business environment पे आ रही हैं, क्योंकि it's social change हो गया, फिर government की कोई rules and regulations आ गई हैं, जिसका impact जो आपके business के ऊपर पड़ने वाला, तो किसी भी तरह का changes या फिर कोई भी trend अगर बदल रहा है, तो आपको उसके according अपने business को बदलने की जरूरत पड़ती है, उसको adapt करने की आवश्यकता पड़ती है. तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि ये एक proactive approach होता है जहाँ पे आपका organization जो है वो अवेयर रहने की कोशिश करता है कि कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं और कौन कौन से ट्रेंड्स जो है हमें देखने को मिल रहे हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में, राइट? और इसके अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हो, है ना? डिसीजन लेने से नहीं होगा, जो डिसीजन है वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, मतलब आपके पास जानकारी होगी तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे, राइट? सो ये चीजें यहाँ पे की जाती है. अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस की, किस तरीके से हम लोग एनवायरमेंटल स्कैनिंग को करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग की एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जिसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे. उसके लिए पहले उसको आइडेंटिफाई करना होगा, राइट? सो द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द रिलेवेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट मे इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन रेलेवेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो कि आपके बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं या कर सकते हैं. दिस इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक कंडीशन. अब कौन कौन से फैक्टर्स आगे वो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है. इकोनॉमिक कंडीशन हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है, रेगुलेटरी चेंजेस हो सकता है. रेगुलेटरी चेंजेस मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की लॉज एंड रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ. सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स हो सकता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया आपको. कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप हो सकता है कि आप जिस बिजनेस में आप हो सकता है कि वही बिजनेस और भी बहुत सारी कंपनीज कर रही हो, तो उनमें किस तरह का कॉम्पिटेटिव चेंज वो लोग ला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको भी चेंजेस लाने होंगे. तो कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड मार्केट फोर्सेस, सो दीज आर द फोर्सेस विच इंपैक्ट योर बिजनेस डे टू डे एक्टिविटीज और इट्स ऑपरेशन. So you will have to identify these factors first of all, that how much they are impacting your business, right? So that's a selection of these factors depends on the industry, market and a specific context of the organization. ठीक है, तो जो selection होगा आपके factors का वो किसके ऊपर depend करेगा? आपके industry के ऊपर depend करेगा, आपके market के ऊपर depend करेगा जहाँ पे आपका business run कर रहा है, और साथ ही साथ आपका business का जो context है, आप किस context में आप business कर रहे हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है, वो यहाँ पे एक फैक्टर होगा. दूसरा है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा है आपको गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. आपको अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होगा उन सारे फैक्टर्स के इर्द गिर्द जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, ताकि उसकी अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले पाओ, राइट? सो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. सो वंस द की एक्सटर्नल फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू गैदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दोज फैक्टर्स. वही बात मैंने बोली, दिस इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग रिसर्च. अब यहाँ पे कैसे आप इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करोगे, ये भी यहाँ पे बताया गया है. आप रिसर्च कर सकते हो, आप कलेक्टिंग डेटा, आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, मॉनिटरिंग वेरियस सोर्सेज सच एज इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, है ना? आप डिफरेंट सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो, आप डिफरेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? मार्केट रिसर्च कर सकते हो, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो. सो दीज आर द
publications, these are the platforms from which you can get the informations, and you can gather those informations, and according to those informations or depending on those informations, you can take informed decisions. Right? After collecting the information, it needs to be analyzed. है ना, बोला गया है. तीसरा पॉइंट है ये एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन. तो जब आप इन सारी चीजों को कलेक्ट कर लेंगे, है ना, जब आपके पास डेटा अप टू डेटेड होगा, एकदम रिसेंट का डेटा होगा, प्रेजेंट डेटा होगा, तो इसको कर लेने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको एनालाइज करोगे, आप उसको चेक करने की कोशिश करोगे कि डेटा में क्या क्या बदलाव आए हैं, है ना, क्या आपको करना चाहिए इन डेटा को देख करके, जिससे आपका बिजनेस जो है और अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए. राइट, सो ये करना है. सो आफ्टर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, इट नीड्स टू बी एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड पोटेंशियल इंपैक्ट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द डेटा, है ना, इसमें देखो आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो, लुकिंग फॉर रिलेशनशिप एंड कोरिलेशंस, आप रिलेशनशिप और कोरिलेशंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड असेसिंग द इंप्लिकेशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग. यार तुम लोगों को दिख रहा होगा मैं थोड़ा बहुत स्टैमर कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम टाइम नजदीक आ चुका है और मैं जितना ज्यादा से ज्यादा टॉपिक बना पाऊँ. हालांकि ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आप वहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑलरेडी दिखेंगे. राइट, लेकिन मैं और भी ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो लोग नोट्स नहीं ले पा रहे हैं, यार कम से कम वो लोग वीडियोस देख करके जाएं और अच्छे मार्क्स आ जाएं. और ऐसे स्टूडेंट्स का आया है ऑलरेडी, 70-80% तक मेरे स्टूडेंट्स ने लाया है विदाउट रीडिंग द नोट्स जो हम लोग रेडी करते हैं. नोट्स चार्जेबल होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होंगी. आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे कॉमर्स की पाठशाला सर्च कीजिए, और आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं. देयर आर मल्टीपल यू नो प्लेलिस्ट वीडियोस जहाँ पे आप इन सबको देख करके आप आराम से एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं. ठीक है, सो जस्ट ये प्रमोशन के बीच में, ठीक है. सो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इन्फॉर्मेशन, ये हो गया, है ना. दिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द डेटा, लुकिंग फॉर रिलेशनशिप एंड कोरिलेशंस, एंड असेसिंग द इंप्लिकेशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग, है ना, ये आपको हेल्प करता है. चौथा है असेसिंग द इम्पैक्ट. अब जो डेटा आपने इकट्ठा किया, आपने उसको एनालाइज कर लिया, अब उसका इम्पैक्ट जो है आपके बिजनेस के ऊपर क्या पड़ेगा, आने वाले समय में किस तरीके से आपके बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करना होगा, खुद को अडेप्ट करना होगा, है ना. तो असेसिंग द इम्पैक्ट ये करना जरूरी है. तो बेस्ड ऑन द एनालिसिस, द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू इवैल्यूएट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑन इट्स करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशंस. यही बात मैंने बोली है कि जो आपने एनालिसिस किया, जो भी डेटा आपको वहां से मिला, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि उन सारे डेटाज का, उन सारे इन्फॉर्मेशन का जो कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स से रिलेटेड है, उसका आपके बिजनेस के करंट और फ्यूचर ऑपरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. इफ इट इज पॉजिटिव इट्स गुड, वी विल हैव टू बी रेडी अबाउट इट, बट इफ इट इज नेगेटिव, in that case too you will have to ready about it and you will have to take informed decisions so that you could not miss, you don't miss the opportunity to scale, hai na. agar aap is tarah ka opportunity agar aap miss kar jate ho to fir aapke liye problem ho jati hai. to aapko pata karna padega ki kya kya impact hai, agar galat impact hai to uske according aapko khud ko taiyar rakhna padega. this includes understanding how these factors may create opportunity or pose threats to organizations, hai na, ye aapko samajhna hoga. it helps in identifying risk and developing contingency plans to mitigate them, है ना? आप इसके जरिए जो है आप अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप कंटिजेंसी प्लान बना सकते हो. कंटिजेंसी का मतलब होता है ऐसा प्लान जो कि श्योर नहीं है कि आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ऐसा प्रॉब्लम जो कि हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा, उसको हम लोग कहते हैं कंटिजेंसी. तो कंटिजेंसी प्लान आपको बना करके रखने पड़ेंगे ताकि अगर कोई भी एडवर्स सिचुएशन हो तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले पाओ, उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज को मिटिगेट कर पाओ, है ना. पांचवा है डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट. सो द फाइनल स्टेप of environmental scanning is to use the insights gained from the analysis to inform decisions, decision making and strategy development. the organization can adjust its existing strategies, theek hai, jo organization hai wo apne existing strategies ko adjust kar sakta hai or develop a new one ya fir naye strategies bana sakta hai to capitalize on the opportunities. जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने, देखो जब भी थ्रेट होता है ना तो उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी होती है, आपको बस फाइंड आउट करना होता है. तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसके अकॉर्डिंग नई स्ट्रेटजीज को बनाना, पॉलिसीज को बनाना और उसको कैपिटलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. एंड नेविगेट द चैलेंजेस आइडेंटिफाइड थ्रू द एनवायरमेंटल स्कैनिंग प्रोसेस. और आपको अपने चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस को नेविगेट करना है, आगे की तरफ लेकर के जाना है. इट हेल्प्स इन अलाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शंस विद द प्रिवेलिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट. ये आपको हेल्प करता है कि आप किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके एक्शंस को प्रिवेलिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ अलाइन करके, एक साथ मिला करके आप उसको अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाएं, ठीक है. ओवरऑल environmental scanning provides organizations with a systematic approach to monitor and understand the external environment, right? environmental scanning से आपको
बहुत सारी जानकारी मिलती है आपको, ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोवाइड किया जाता है कि आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच तैयार करके आप बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाएं। इट हेल्प देम एंटिसिपेट चेंजेस, ये आपको हेल्प करता है चेंजेस को एंटिसिपेट करने में, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, कोई भी अगर अपॉर्चुनिटीज है तो उसको आइडेंटिफाई करने में, मैनेज रिस्क इफेक्टिवली, और किसी भी तरह का रिस्क अगर है तो आप उसको इफेक्टिवली आप उसको यू नो मैनेज कर सकते हैं। बाई स्टेइंग अट्यून्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड कंडीशंस, ऑर्गेनाइजेशंस कैन मेक प्रोएक्टिव डिसीजंस, अडैप्ट देयर स्ट्रेटजीज एंड मेंटेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन अ डायनेमिक बिजनेस एनवायरमेंट। सिंपल है ना, अगर आप अट्यून्ड रहेंगे, अगर आप अटेंटिव रहेंगे, अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अवेयर रखेंगे खुद को, तो जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसकी कंडीशंस, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आप वहाँ पे प्रोएक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजीज को अडेप्ट कर सकते हैं, बेहतर स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और कॉम्पिटेटिव बने रह सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है आपके बिजनेस में। अगर आपको कॉम्पिटेटिव बने रहना है तो इन सारी चीजों को करना, और आपका बिजनेस जो है वो डायनेमिक है, याद रखिए आपका जो बिजनेस है वो हमेशा डायनेमिक होता है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग खुद को अवेयर रखना, खुद को अडेप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो द बिजनेस, टू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सारे लोग तो कोर्स नहीं कर रहे हैं, बट जो भी कोर्स कर रहे हैं चाहे वो बीकॉम के हो या फिर एमकॉम के, उन सबके साथ शेयर कर लीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ये काम जरूर आएगा, और अगर एग्जाम में भी पूछा जाता है तो ये लोग इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, इफ दे विल हैव दिस आइडिया राइट कि किस तरीके से एनवायरमेंटल स्कैनिंग होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, वो सारी चीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू बाय आवर नोट्स, इफ यू डोंट हैव टाइम, इफ यू डोंट हैव यू नो टाइम टू स्टडी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, देन यू कैन डेफिनेटली बाय आवर नोट्स विच आर वेरी लेस इन नंबर्स, एंड इफ यू विल बाय दोज नोट्स एंड स्टडी फ्रॉम देम, यू कैन डेफिनेटली इजिली सिक्योर एटलीस्ट 70 to 80% इन द एग्जामिनेशन। तो यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।